विंडो को डालते हैं, उसे फंसा लेना है। ये देख लीजिए, सब विंडो को डालते हैं, उसके बाद में पेंसिल से या पार्कर से कोई भी चीज़ हो मार्किंग कर लेना है किसी भी चीज़ से। ये इधर मार्किंग लगा दिए, फिर मार्किंग को लगाने के बाद में इसका भी कातरा यहीं से, इससे एक सूत कम करके, जो मार्किंग आया मार्किंग से एक सूत कम करके कातरा काट देंगे। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल चौधरी एलुमिनियम फैब्रिकेटर में। आज हम आप लोग को बताएंगे धमाल विंडो का मेकिंग कैसे करते हैं, इसका कटिंग कैसे करते हैं, और साइज़ अगर नहीं निकालना आता तो साइज़ कैसे निकालते हैं। देख लीजिए कटिंग करें ट्रैक का, और साइज आप लोग को अगर नहीं निकालना आता तो एक आसान तरीके से साइज़ निकालने का तरीका बताऊँगा। कितना भी ट्रैक हो, 2 ट्रैक 3 ट्रैक 4 ट्रैक, अगर आप लोग को निकालना नहीं आता है तो वो भी बताने वाले हैं एकदम देसी तरीका। हाइट में कितना माइनस करेंगे और क्या क्या करेंगे सब आप लोग को दिखाने वाले हैं। ये ट्रैक को काट के रेडी कर लिए, इसमें फाइल मार रहे हैं। फाइल मारने से थोड़ा फिनिशिंग अच्छा हो जाता है, रिंगल मारने से अच्छे से चिपक जाता है, फिनिशिंग अच्छा आता है कातरे का। रिंगल मारने के लिए होल मार लें इस पर, उसमें एंगल मारेंगे। और आप लोग को अगर साइज़ का नहीं दिक्कत हो रहा है, साइज़ नहीं निकालना आता है, तो एकदम आसान तरीके से साइज़ निकालने का बताऊंगा मैं। टेप से ही साइज़ निकाल सकते हैं आराम से ट्रैक बनाने के बाद। साइज़ निकालने से पहले ट्रैक को जोड़ लेना है, उसके बाद ही उसे साइज़ निकल पाएगा। और जिसको निकालना है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता है। ये हैंडल का सेक्शन है, इसमें गुरु बना हुआ है, तो गुरु के लिए होल मारेंगे। ये पंच बना लिए, पंचिंग कर इसको होल मार देंगे। इसमें होल का सिस्टम है, अभी तो जितना धमाल का विंडो आ रहा था उसमें सब एंगल मारना पड़ता था, इसमें होल मारना है। गुरु दे दिया तो अच्छा रहता है, ये स्क्रू टाइट करना आसान है, एंगल के झमेले से बच जाते हैं एंगल टाइट करने से। अभी होल मार रहे हैं, होल मार के रेडी कर लेंगे इसको, उसके बाद में फिर जोड़ेंगे इसको, कोडिशन मार देंगे। कोडिशन मारने से क्या स्क्रू एकदम अच्छे से बैठ जाता है और इसका फिटिंग वगैरह लगाने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये होल मार के हो गया दोनों तरफ का, अब आगे इसको जोड़ेंगे, जोड़ के भी दिखाएंगे। इसमें बैरिंग भी डालना बाकी है, अभी और रोल फाइल बाकी है, तो बैरिंग को डाल दें। अभी बैरिंग को डाल देते हैं, डालने के बाद में इसमें स्क्रू मार देते हैं। कोई कोई वायरिंग में एलंकी भी लगा रहता है, इसको मारने की ज़रूरत नहीं रहती है, इसमें स्क्रू नहीं लगा है एलंकी, तो इसमें स्क्रू ही मारना पड़ेगा। ये दोनों तरफ का वायरिंग डाल के हो गया, इसमें स्क्रू मारेंगे 1 इंच का काला वाला स्क्रू। डायरेक्ट भी इसको स्क्रू मार सकते हैं, और अगर आपके पास बिट है 7/64 का तो बिट से भी मार सकते हैं। हमें तो काला वाला स्क्रू ही इसमें मारे हैं, आसानी से हो जाता है फटाफट। और आगे बताएंगे अभी इसको फिटिंग कैसा करते हैं, साइज कैसा निकालते हैं सब दिखाएंगे। जोड़ के बता रहे हैं कि जोड़ते कैसा, इसको आम विंडो की तरह ही जोड़ देना है। इससे ओपनेबल विंडो बनाते हैं कातरे में, डोर बनाते हैं, वैसे इसको भी जोड़ देना है। लेकिन बस जोड़ने से पहले इसको अच्छे से फाइल वाइल कर लेना रहता है, थोड़ा फिनिशिंग अच्छा आता है। सबसे मेन है साइज इसका, वो हम आप लोग को बताएंगे अभी वीडियो में कि साइज़ कैसा निकालते हैं। ट्रैक वगैरह जोड़ के रेडी कर लेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि साइज़ कैसा निकालते हैं सबसे आसानी तरीके से, एकदम देसी तरीका साइज निकालने का। ये जोड़ रहे हैं इसको, जोड़ के रेडी करते हैं इसको, उसके बाद में एल बना के रख देंगे, फिर कांच का साइज़ निकाल लेंगे। कांच का साइज़ पहले भी निकाल सकते हो, जोड़ने के बाद में निकाल सकते हो। उसका साइज़ निकालने का तरीका बाद में बताऊंगा, पहले माप का बता देता हूं कि इसका साइज़ कैसे निकालते हैं, क्रॉस का और हाइट का। एकदम देसी तरीका साइज़ निकालने का, एकदम आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं। कितना भी विंडो 3 ट्रैक 4 ट्रैक 5 ट्रैक जो भी बनाना हो बना सकते हैं।
हैंडल को जोड़ दें, जोड़ के फिर रख देंगे इसको। इसमें दोनों तरफ से स्क्रू मारा जाता है, इसमें 850 का स्क्रू मारते हैं और 819 का भी स्क्रू मारते हैं दोनों तरफ से। जैसा डोर वगैरह जोड़ते हैं कातरे का वैसा इसको भी जोड़ लेते हैं, ओपनेबल विंडो वगैरह जैसा जोड़ते हैं वैसा इसको भी जोड़ लेंगे। इसमें स्क्रू एंगल मारने का कोई वो नहीं है, तो इसमें गुरु में स्क्रू टाइट कर देंगे नॉर्मल विंडो की तरह, जैसा सब विंडो में टाइट करते हैं वैसा इसमें भी टाइट कर देना है। इसका मेन विंडो का ये रहता है कि इसका अच्छे से बिठाना, जितना अच्छे से बिठाओगे कातरा तरह जितने अच्छे से जोड़ोगे उतना अच्छा फिनिशिंग में आएगा, फिर आप लोग को बताएंगे साइज कैसा निकालते हैं। चलिए साइज़ के बारे में आप लोग को बता देते हैं। हमारा साइज़ था तो मैं 53 इंच का कार्ड लिया हूँ। अब एक तरफ का कातरा दोनों तरफ का कातरा भी मार दिया हूँ, तो इसको क्या करना है कि ये हैंडल को ऐसे फंसा देना, जैसा विंडो को डालते हैं वैसे फंसा लेना है। ये देख लीजिए जैसा विंडो को डालते हैं, उसके बाद में पेंसिल से या पार्कर कुछ कोई भी चीज़ हो मार्किंग कर लेना है किसी भी चीज़ से। ये इधर मार्किंग लगा दिए, फिर मार्किंग को लगाने के बाद में इसका भी कातरा यहीं से इससे एक सूत कम करके, जो मार्किंग आया मार्किंग से एक सूत कम करके कातरा काट देंगे, तो ये अपना साइज़ हाइट का निकल जाएगा अगर नहीं आता है तो। फिर चौड़ाई का निकालेंगे, ये पूरा पूरा विंडो का देख लीजिए कितना साइज आ रहा है, ये 97.38 मतलब 300 आ रहा है, तो इसको निकालेंगे। तो 97 में 1.5 इंच प्लस कर दिया, 1.5 इंच मैंने प्लस कर दिया तो हो गया 97, 98, 99 इंच। 99 को 3 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 33। तो यहाँ पे 33 पे पहले निशान लगाएंगे टेप वहाँ से फंसा के जहाँ तक अपना ये हैंडल जाता है, इसके बाद में 2.5 इंच इसमें कम कर देंगे क्योंकि 2.5 इंच इधर ही आएगा ना, कातरा मारेंगे तो पीछे ही आएगा। फिर इधर से भी 33 इंच लगा लेंगे। पहले मैंने मार्किंग कर लिया था, दोबारा मां साइज़ के लिए फिर बताया ऐसा कैसा करके बता दूँ आप लोग को समझ में आएगा। तो इधर लगा लिया 33 इंच, अब इधर भी आके 2.5 इंच कम कर देंगे साइज़ से। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पहले मार्किंग किए थे उसको कम कम वाला जो मार्किंग है 2.5 इंच जो घटाए थे वहाँ से, और इधर जो 2.5 इंच घटाए थे वहाँ से साइज ले लेंगे। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 34.25 इंच, तो बढ़ गया ये अपना 34.25 हो गया, तो बढ़ गया इसमें 10 सूत। 10 सूत मतलब दरवाज़ा छोटा आ रहा है, तो 10 सूत को डिवाइड कर देंगे 3 में तो 33 3 सूत पकड़ लेंगे। एक सूत का तो कोई मान नहीं, इंटरलॉक इधर उधर हो जाता है, तो दोबारा फिर करेंगे 33 3 सूत लगा दिया 33 3 सूत। इसके बाद में फिर यहाँ से भी 2.5 इंच कम कर देंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच कम कर दिए, और फिर इधर से भी लगा लेंगे 33 3 सूत पे, इधर लगा लिया 33 3 सूत। फिर इधर से भी 2.5 इंच कम कर देंगे क्योंकि जो कातरा मारते हैं वो कातरा वहाँ वहाँ तक जाता है ना, 2.5 इंच कम ही उधर भाग जाता है। फिर यहाँ से टेप लगाएंगे, फिर यहाँ नापेंगे कितना आ रहा है, देख लीजिए कितना आ गया, ये इधर आ गया 33 5 सूत, ये 33 5 सूत हो गया। तो एक सूत इधर इंटरलॉक बढ़ जाएगा, एक सूत इधर बढ़ जाएगा, तो अपना दरवाज़ा बराबर आ जाएगा। ऐसा आप लोग भी करके साइज निकाल सकते हैं एकदम आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं इसमें साइज निकालने में। 3 ट्रैक हो 4 ट्रैक हो कोई भी हो साइज निकाल सकते हैं। लॉक का खांचा मार रहे हैं, तो लॉक का खांचा में कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग को तो मालूम है लॉक का खांचा कैसा मारते हैं जो विंडो बनाते हैं, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। आप ये जो साइज़ बताया हूँ इसको एक बार ट्राई करके देखिए कि कैसा आता है। मेरे को आसान लगा तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दिया कि बहुत सारे लोग को साइज़ निकालना नहीं आता है तो परेशान हो जाते हैं, तो ये एकदम आसान तरीका था साइज़ निकालने का। ये कटिंग करके बना के डाल दिए हैं इसमें, देख सकते हैं आप लोग 33 3 सूत का कटा है मेरा क्रॉस। ये कांच को डालते हैं, कांच कैसा बढ़ते हैं सब लोग को मालूम है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। डाल
निकाल के इसमें स्क्रू मार देंगे। उसे मेन इसका साइज ही रहता है, बाकी कुछ नहीं। सेक्शन भी थोड़ा अलग था, इसमें गुरु वाला सेक्शन भी था। किसी किसी सेक्शन का भी फ़र्क रहता है, आप लोग ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं। जैसा मैंने साइज़ बताया कैसा निकालते हैं, ऐसा निकाल के देख सकते हैं। कभी विंडो छोटा नहीं होगा, ना कभी साइज़ के लिए कोई प्रॉब्लम होगी। कितना भी विंडो हो, 3 ट्रैक 4 ट्रैक आप निकाल सकते हैं। 2 ट्रैक में तो आधा इंच माइनस करते हैं, हर किसी को मालूम है। ये विंडो को डाल दिया, विंडो डालते टाइम वीडियो नहीं बना पाया, उसमें क्लियर भी नहीं आ रहा था, इसके लिए तक ध्यान भी नहीं किया। विंडो डाल के इंटरलॉक ठोक देंगे, इंटरलॉक ठोकने के बाद में इसके स्क्रू मार देंगे, स्क्रू मार के फिर लॉक लगा देंगे, विंडो तैयार हो जाएगा। विंडो को चला के देख लेने का कि मतलब चलता है सही कि नहीं चलता है। वायरिंग अच्छा रहेगा तो चलेगा, वायरिंग अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। सब वायरिंग पे डिपेंड रहता है। आपको ठोक दिए, इंटरलॉक को पहले थोड़ा सा फंसा लेते हैं, उसके बाद में फिर ठोकते चले जाते हैं, आराम से बैठते चले जाता है, कोई वो नहीं। पीछे से स्क्रू मार देते हैं, विंडो लगा के तैयार हो गया है। इसमें लॉक लगा देंगे, लॉक लगा के फिर इंटरलॉक में स्क्रू मार देंगे, हो जाएगा विंडो रेडी। सिम्मा है, वाइट है, जो है पूरा डिजाइन लगा है।